स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट टू, जिसका नाम है जेंडर। जेंडर को हिंदी में बोला जाता है लिंग, लेकिन जेंडर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए नाउन का कि नाउन क्या होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेमिंग वर्ड्स को जो है वो जो नाम वाले शब्द हैं उनको नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो किसी पर्सन के हों, थिंग्स या एनिमल्स के नाम हों। तो आज हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जेंडर इट इंडिकेट द सेक्स ऑफ अ पर्सन थिंग एनिमल एक्सेट्रा, कि जो जेंडर है ये किसी भी जानवर का, आदमी का या किसी चीज का जो है वो सेक्स बताता है। सेक्स मतलब लिंग को बताता है कि वो मेल में है या फीमेल में है। और इन सिंपली वे वी कैन से दैट इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। और अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जो जेंडर है वो किसी भी आदमी के या औरत के होने की स्थिति को बताता है। ओके, हियर आर फोर टाइप ऑफ जेंडर, की यहाँ जो जेंडर के चार प्रकार होते हैं। एक होता है मस्कुलिन, फेमिनिन, और एक होता है कॉमन और न्यूट्रल। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ दो ही, मस्कुलिन और फेमिनिन। मस्कुलिन मीन्स मेल, जिसे हमें पता लगता है कि ये लड़का है या आदमी है, और फेमिनिन मीन्स फीमेल, इसे पता लगता है ये औरत है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से। तो मस्कुलिन मीन्स पुलिंग, जिसको हिंदी में लिखते हैं पुलिंग, और फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग, कि इस तरफ जो है वो मेल्स के मेल के आएंगे और उस साइड जो है फीमेल का होगा। तो फर्स्ट इज फादर, फादर होता है पिता या पापा। तो फादर को जब हम चेंज करेंगे तो आपको नेचुरली है कि घर में पापा की होती है मम्मी, ठीक है। तो फादर आया पिता, तो पिता क्या आया मदर। नंबर टू मिलेंगे हम ब्रदर, ब्रदर कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टर। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा होते हैं आपके दादा, और ग्रैंडमा दादी। अंकल आपके होते हैं चाचा, आंट चाची। सर आपके जो स्कूल में सर होते हैं श्रीमान, और मैडम मैम। कोक, कोक होता है आपका मुर्गा, हैन मुर्गी। बुल, बुल होता है बैल, ऑक्स भी बोलते हैं लेकिन इसमें बुल प्रेफर करेंगे हम, बुल। काउ, डॉग, डॉग का जेंडर होगा बिच, डॉग होता है आपका कुत्ता और बिच होती है कुतिया। हॉर्स, हॉर्स होता है आपका घोड़ा, मेयर घोड़ी। फॉक्स, फॉक्स होता है आपका लोमर या गीदड़ जिसको बोलते हैं, और विक्सन होती है लोमड़ी। प्रिंस, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। मिस्टर, मिस्टर लगाते हैं पापा को, दादा को, अंकल को, और मिसेज, मिसेज होती है श्रीमती, जो मम्मी को लगाते हैं हम, आंटी को लगाएंगे, दादी को लगाएंगे। मिसेज, मिस्टर होता है श्रीमान, मिसेज श्रीमती। ही लगता है लड़कों के लिए, ही वह लड़कों के लिए, और शी का मतलब ही होता है वह, पर वो यूज करेंगे हम लड़कियों के लिए। हस्बैंड, हस्बैंड होता है पति, और हस्बैंड की होती है वाइफ, जेंडर चेंज अप करते हैं तो बनेगी वाइफ, पति पत्नी। कोल्ट, कोल्ट होता है गाय का बछड़ा जो मेल होता है, और फीली, फीली होती है गाय की बछड़ी जो फीमेल होती है। इसके अलावा मस्कुलिन और फेमिनिन के अलावा होता है कॉमन जेंडर और होता है न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है उसमें उसमें जैसे पता लगता है कि पापा और मम्मी दोनों ही शामिल होंगे, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। और न्यूट्रल होता है जैसे आपका ये पेन, बुक, कॉपी, वो आते हैं न्यूट्रल जेंडर में। न्यूट्रल मतलब जो चीजें जिंदा नहीं है, जो चीजें हैं उनके लिए हम यूज करते हैं न्यूट्रल जेंडर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हम बच्चों को ये अच्छे से पढ़ा दें क्योंकि अब एग्जाम लगने वाले हैं और रिवीजन की तैयारी भी हो रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।